इतना दिन से ना ब्लॉग ना यूट्यूब पे कोई अपडेट ना कुछ, क्योंकि एक्चुअली इतना दिन से दुर्गा पूजा था। अभी दुर्गा पूजा का सीजन हम लोग एक बंगाली के लिए बहुत ही मतलब एक क्या बोल सकते हैं, मतलब इमोशन होता है, ये जगह से आता है बेसिकली दुर्गा पूजा। सो वो जगह में रह के मैं अभी कोलकाता में नहीं हूँ, अंडमान में हूँ, और यहाँ पे उतना खास दुर्गा पूजा नहीं होता। ऐसा नहीं यहाँ पे विजिट नहीं किया है, यहाँ पे विजिट किया, छोटा छोटा पंडाल देखा, लेकिन उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं वीडियो करके आप लोगों को दिखा दूँ। सो इसलिए मैं वीडियो नहीं किया, थोड़ा सा अपसेट था, लो फील कर रहा था, इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया। लेकिन आज है हैप्पी संडे, और हैप्पी संडे है करके आज प्लान बनाया कि लॉस एंजेलिस जाना साउंडलाइट शो देखने का। सो साउंडलाइट शो का दो टिकट होता है बेसिकली, उससे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉम बाय। जैसा कि मैं बता रहा था, रॉस एंजेलिस का बेसिकली दो टिकट होता है, एक होता है साउंडलाइट शो देखने का जो मैंने ऑनलाइन कर लिया, एक होता है बोट टिकट जो रॉस एंजेलिस जाने का। सो बेसिकली वो जाना होता है वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वहाँ जाके टिकट लेके फिर जाना होता है। सो अभी मेरे को उतना भी ये नहीं है कि रॉस एंजेलिस का जो ये बोट टिकट है उसमें मैं रॉस एंजेलिस विजिट कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे को जितना मेरे को आइडिया मिला कि उससे मैं विजिट कर सकता हूँ, क्योंकि 5 बजे तक रॉस एंजेलिस नॉर्मल विजिट आवर्स है। सो मैं वही सोचा कि चलो अभी टिकट कर लेते हैं, करके हम निकल जाते हैं। हम मतलब मैं, पीयू, अभिजीता, भाभी, हम 4 जन आज जाने वाले हैं। हैप्पी संडे है और लक्ष्मी पूजा है, तो हैप्पी लक्ष्मी पूजा टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स फ्रॉम कोलकाता। एंड अभी जाते हैं फटाफट रेडी होके, मैं तो पूरा रेडी हो गया ड्रेस वेस करके, पीयू भी उस घर में रेडी हो रहा है। सो जैसे ही कंप्लीट होता है हम लोग बाहर निकलता हूँ, और मेरा आईफोन भी कैरी करने वाला हूँ, ये कैमरा भी कैरी करने वाला हूँ। अगर कैमरा से वीडियो बनाना अलाउ नहीं करता तो फ़ोन से वीडियो बना लूँगा, कैमरा से नॉर्मल फोटोग्राफी तो अलाउ करेगा, वो तो मैं कर लूँगा। मैडम आपका ड्रेस, हाँ ड्रेस हो गया। अभी देखो मैं मेकअप नहीं करता, मैं एकदम भी मेकअप नहीं करता, नॉर्मली ड्रेस वगैरह करके निकल जाता हूँ। अभी का दिनों में मैं देख रहा हूँ मेरा बीवी को रेडी होने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम। एक चीज़ ठीक है कि अभी ड्रेसिंग सेंस आ गया है कि थोड़ा सा मेकअप मेकअप करके कैमरा के सामने आना होता है, इसलिए थोड़ा मेकअप वगैरह करता है, ये चीज़ अच्छा है। फिलहाल चलो अभी टाइम बहुत ही हो रहा है, फटाफट हम लोगों को निकलना पड़ेगा। अभी कैमरा ऑफ करके मैं इस बैग पे ले लेता हूँ, ये बैग भी कैरी करता हूँ, मेरा आईफोन कैरी करता हूँ, ये वाला फ़ोन भी मेरा चार्ज हो चुका है। सो हम लोगों को बेसिकली रॉसन का टिकट वगैरह हम लोगों ने ले लिया, बोट का टिकट यहाँ से, अभी सिर्फ वेट करना है, 15-20 मिनट का वेट है। वेट करने के बाद फिर हम लोगों का बोट जब अनाउंसमेंट होगा उसी टाइम हम लोग जा सकते हैं, इससे पहले। फाइनली हम लोग रॉस एंजेलिस रीच कर चुके हैं ये बाई ये वाला बोट से। सो अभी मेरा पीछे जो दिखाई दे रहा है ये साइड में दिखाई दे रहा होगा शायद से जैपनीज बंकर, या तो ये साइड में, हाँ ये साइड में ही दिखाई दे रहा है जैपनीज बंकर। ये जैपनीज जब रूल्स करते थे वो टाइम का। अभी थोड़ा सा सर चकरा रहा है, थोड़ा सा टक 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 हो रहा है, क्योंकि अभी इतना अल्पा था ना पूरा। कहा जैपनीज बंकर, सो जैपनीज जब रूल्स किया बेसिकली अंडमान को, तब वो लोगों ने ये अपना सेफ्टी के लिए खुद के लिए ये सब बनाया था। अरे बाप रे इसमें पानी है अभी, छोड़ो रे भाई। अभी यहाँ से एंट्री करना होता है बेसिकली, टिकट्स दिखा के ऑनलाइन जो मैंने टिकट्स लिया है वो वाला टिकट्स दिखा के एंट्री करना होता है। तो ये चीज़ बेसिकली रॉस एंजेलिस का बहुत ही खासियत है कि यहाँ पे डियर, पीकॉक्स, ये सब कुछ ओपनली ऐसे इको फ्रेंडली
एकदम तरीके से घूमता है। और अभी फिलहाल हम लोग अभी रॉसलैन घूमने के लिए निकलते हैं बाई वॉक, और बाई कैब सर्विस भी यहाँ पे है कि बैटरी गोल्फ कार्ट होता है उससे आप घूम सकते हो 80 रुपीज़ चार्जेस है। लेकिन मैं इतना बार यहाँ पे आया गेस्ट के साथ, सो मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, सो इसलिए मैं बाई वॉक जाना ही पसंद करता हूँ सबसे बेस्ट। इतना इको फ्रेंडली नेचर है ना, मतलब ये लोग आपको हम भी नहीं पहुँचाएगा, कुछ नहीं करेगा। सो अभी हम शुरू करते हैं। फिलहाल रॉसलैन एंट्री होने के बाद हम लोग को शुरू करना चाहिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, सो हम लोग वही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं। बाप रे, धूप में एकदम पूरा वीडियो का पूरा एकदम ख़त्म कर रहा है। ये बेसिकली क्या था, फरजंद अली स्टोर, बेसिकली ब्रिटिश का बनाया कुछ स्टोर था, पता नहीं ये क्या था, लेकिन था तो कुछ स्टोर टाइप का। सो अभी जिस जगह से, मतलब जिस जगह में हम लोग जा रहे हैं, ये बेसिकली ब्रिटिश का बनाया हुआ प्रिंटिंग प्रेस था। सो ये तो सब कुछ रूइंस में, बिकॉज यहाँ पे 1943 में अर्थक्वेक, उसके बाद सुनामी, ये सब कुछ में पूरा टूट फोड़ दिया, एकदम पूरा पूरा तोड़ दिया। लेकिन इसको अगर बनाता तो इसका ओरिजिनल ब्यूटी ख़राब हो जाता, सो इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ दिया। और ऐसा ही तो, मतलब सोच लो कि वो टाइम पर उन लोगों का दिमाग कितना चलता था। बेसिकली पावर प्लांट था ये वाला, था कुछ प्रिंटिंग प्रेस, और ये वाला था पावर प्लांट हाउस। ये था वाटर ड्रिस्टलिंग प्लांट, सॉरी वाटर ड्रिस्टलिंग प्लांट, बेसिकली यहाँ से वाटर फिल्टर होके पूरा अंडमान में सप्लाई करता था, मतलब पूरा पोर्ट ब्लेयर को सप्लाई करता था। ये देखो फिल्टर्स, पानी सप्लाई करने का जो फिल्टर्स होता था, एक्चुअली समुंदर से पानी लेके उसको फिल्टर करके इसके अंदर डालना, ये सब कुछ यहीं पे। तो मैंने पढ़ा था ये सब कुछ हॉन्टेड प्लेस के अंदर भी आ सकता है, मतलब आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल पता नहीं क्या है, लेकिन मतलब किसी जगह में मैंने पढ़ा था, एक्चुअली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन गूगल में भी किसी जगह में मैंने देखा था कि हॉन्टेड प्लेस में भी आता है ये वाला। वो टाइम में सोचो यहाँ से पानी लेके ये लोग ड्रिस्टिल करके फिर पूरा पोर्ट ब्लेयर को पिलाता था। सच्ची में बहुत प्यारा लगता है, इन लोग इतना इको फ्रेंडली है ना, आप इनको छू सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली छूना इलीगल है, मतलब गेस्ट के टाइम में। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इधर उधर, मतलब अभी कोई देख नहीं रहा है, क्या करें, थोड़ा सा छू रहे हैं हम लोग। एक्चुअली आप छू भी सकते हो, लेकिन क्या है, सेफ्टी के लिए, आप लोगों का सेफ्टी के लिए, अगर आपको चोट पहुँचा दे तो आप लोगों का सेफ्टी के लिए मना करते हैं लोग छूना। बाकी आप छू सकते हो, लेकिन इनकेस अगर कुछ हो जाता है तो इसलिए मना करते हैं वो लोग। तो एक जगह में कितना कुछ सोच लो, ये वाला था तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस, ये वाला पावर प्लांट, ये वाला स्विमिंग पूल, इसके बाद डिस्टिल वाटर प्लांट, मतलब दिमाग सोचो कि एक छोटा सा आइलैंड पे वो लोग कितना कुछ कर दिया था। एक्चुअली रॉसलैन बना था यहाँ पे, सबसे पहले शिप डॉक होता था उन लोगों को, हर्बर बना, उसके बाद जाके ये उन लोगों का हर्बर पॉइंट हुआ, फिर डेवलप होते 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 फिर इस एक टाइम में रॉसलैन अंडमान का कैपिटल भी बन गया। मतलब इतना ये लोग डेवलप किया इसको कि वो टाइम में इसको मतलब फॉरेन के साथ कंपेयर किया जाता था, इतना सुंदर बना दिया था। दूर में जो लाइट हाउस वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली नॉर्थवे आइलैंड है, जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए फेमस भी है। व्यू का बेसिकली फर्स्ट टाइम है रॉस आइलैंड में, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, लेकिन एक भी भूत नहीं मिला है मुझे। अच्छा, हॉन्टेड है, हॉन्टेड प्लेस है, मतलब भूत मिलेगा ही, ऐसा है? मुझे कितना था। अच्छा, वो देखो जैपनीज बंकर वहाँ पे दूर में दिखाई दे रहा है, जो पेड़ वाला जगह है वहाँ पे जैपनीज बंकर है। अभी वो साइड में हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ से चलते हुए हम लोग
ऊपर जाने वाले जहाँ पे सेमिट्री, फिर इसके पीछे की तरफ लाइट हाउस जहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है क्लियर, वो जगह में हम लोग बेसिकली जाने वाले हैं। सो मैं गेस्ट के साथ जितना बार भी आया इतना ऊपर में नहीं चढ़ा कभी भी। लाइट हाउस में मैं गाड़ी लेके चला गया था, ये सब चीज़ उतना खास मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। अभी जैसे प्यू के साथ जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम बोल सकते हो। अरे बाप, चढ़ाई इतना है ना भाई, और सबसे ज़्यादा छोटा सा आइलैंड है, सबसे ज़्यादा पहाड़ वगैरह है यहाँ पे, इसलिए चढ़ाई भी है। सो ये वाला क्या था, सब वॉर्डिनेट्स क्लब। अच्छा, ये वाला क्लब था बेसिकली, देखो। सो मैं बेसिकली एक चीज़ सोचता हूँ कि ब्रिटिश लोग वो टाइम में कितना डेवलप थे, वो टाइम में डेवलप था करके आज का डेट में आप फॉरेन चले जाओ, कोई भी फॉरेन कंट्री में, वो लोग कितना डेवलप करके रखे हैं, क्योंकि उन लोगों का सोच ही ऑलरेडी डेवलप था। सो हम लोग भी अभी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं इंडियन लोग डेवलप नहीं करते, इंडियन लोग भी अभी बहुत डेवलप कर चुके हैं। सो हम लोग और भी धीरे धीरे डेवलप करते हैं और करते रहेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोर्ड है, ऊपर में जो पीछे वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो चर्च, लेफ्ट साइड राइट साइड जाऊँगा तो रॉस, लेफ्ट साइड जाऊँगा तो कमिश्नर बंगलो, एंड थोड़ा सा जाऊँगा तो फेरी फेरार बीच। सो बीच जाना कि इधर जाना, इधर जाना कि इधर जाना, पहले इधर जाते हैं। चलो, अगर कोई पर्सन हो जो फोटोग्राफी के लिए, मतलब फोटोग्राफी करने के लिए आते हो अंदमान, तो मैं सजेस्ट करूँगा रॉस आइलैंड एक बार आओ, यहाँ पे फोटोग्राफी करने का बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर सुंदर। सबसे ज़्यादा मैंने अच्छा देखा कि यहाँ का जो बियर्स है ये सब फोटोजेनिक है। हम लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे, एकदम आराम से आके क्लोज में खड़ा हो गया, सेल्फी लिया अभिजीत दा ने, मैंने वीडियो क्लिक लिया, मतलब बहुत ही फोटोजेनिक है। बहुत देर तक मैं इस चीज़ का वेट किया, जो यहाँ पे और एक चीज़ फेमस है जो है यहाँ का पीकॉक। सो ये पीकॉक, डियर्स, ये सब कुछ ब्रिटिश अपना शौक के लिए लेके आते थे बाहर से और यहाँ पे पालते थे। सोच लो कितना सुंदर है। ये था कमिश्नर का बंगलो, वो टाइम में ब्रिटिश का जो कमिश्नर था बेसिकली डेनियल रॉस, जिनका नाम पे रॉस आइलैंड बना, उनका घर ये वाला था। तो ये जो अभी पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो दरवाजे की तरह एक शेप दिखाई दे रहा है, ये था ट्रूप्स बैरक। मतलब ये रॉस आइलैंड को ब्रिटिश टाइम जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल्स करते थे, उनका जो ट्रूप्स था ये आइलैंड को सेव करने के लिए, उन लोगों का बैरक था ये वाला। तो यहाँ पे रह के वो लोग अपना आइलैंड को सेव करते थे, मतलब हेरिटेज बोलने से यही है ओरिजिनल हेरिटेज। ये देखो यहाँ पे अगर कोई देखेगा पता भी नहीं चलेगा, अचानक से दिखा मेरे को दिख गया, ये भी एक जापानीज बंकर्स था। देखो कैसा है, ऊपर से लगेगा कुछ पहाड़ का गड्ढा वड्ढा है, लेकिन यहाँ पे देखो दरवाज़ा है। तो बेसिकली हम लोग इस रास्ते से अभी जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ, जो कि अभी हम लोग जो थे वो रॉसलिन का एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे थे, हिल पॉइंट पे थे। अभी यहाँ से फिर से नीचे हम लोगों की समुंदर की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग लाइट हाउस की तरफ जा सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5, सो हम लोगों का शो जो है 5:30 से है, सो हम लोगों के पास टाइम भी बहुत ही कम है, सिर्फ जाना, फटाफट वीडियो निकालना, थोड़ा 2-4 फोटो खींचना और फटाफट रिटर्न। तो वो दिखाई दे रहा है लाइट हाउस, अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे सीढ़ी देख के थोड़ा, क्योंकि मैं अभी फिसलता था, मैं कैमरा भी गिरता था, मैं फिसलने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा कैमरा गिर जाने से बहुत प्रॉब्लम। तो यहाँ से जब रिटर्न जाने वाले हैं हम लोग, ऊपर जाने वाले हैं, चढ़ने वाले हैं, तो वो टाइम में मेरा फटने वाला है ये तो मेरे को पता लग गया अभी नीचे आते टाइम। लेकिन इतना मन दहला देने वाला व्यू देखने के बाद ना, मतलब फिर लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत हम लोग कर सकते हैं।
अंडमान में मेरा एक चीज़ टारगेट था कि यहाँ पे आके पीछे लाइट हाउस में मेरा फोटो क्लिक करना और यहाँ का रॉस आइलैंड का एक अच्छा खासा वीडियो बनाना और आपके साथ शेयर करना। सो फाइनली मैं वो कंप्लीट कर दिया, फोटो वीडियो टाइम लैप्स सब कुछ मैं निकाल लिया। अभी ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आज एडिट करके कल तक डाल दूँ, लेकिन कल मेरे को देखना पड़ेगा कि काम का प्रेशर कितना सुबह से शुरू है। अगर थोड़ा सा लेट से शुरू है तो मैं डाल दूँगा आज रात को ही, जितना लेट हो मैं आज रात को ही डाल दूँगा। सो अभी यहाँ से जाने में पूरा फट जाएगा, अभी थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ा और फटना शुरू हो गया। अभी कितना ऊपर तक चढ़ना है, चढ़ के फिर वहाँ से चल के आना है, मतलब आना है बोलता है, चल के फिर साउंड लाइट शो तक जाना है। हमारे पास टाइम अभी है करीबन आधा घंटा बोल सकते हो, क्योंकि 5:30 से शुरू है और 5:30 के अंदर हम लोगों को वहाँ पे रीच होके टिकट दिखा के सीट पे भी बैठना है, एलोटेड सीट पे। सो अभी हम लोग जल्दी नहीं, आराम से जाएंगे, धीरे धीरे करते हुए पहुँच जाएंगे।